What is the best time for delivery in a pregnancy? आमतौर पे प्रेगनेंसी का हम अगर ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं तो 40 वीक्स होता है। ये कैलकुलेशन जो है वो लास्ट जो पीरियड्स आए होते हैं उनकी फर्स्ट डेट से कैलकुलेट किया जाता है। सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज 40 वीक्स फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिसका मतलब 9 महीना और 7 दिन। प्रेगनेंसी कब पूरी तरीके से टर्म मानी जाती है? 37 to 38 वीक्स हम मानते हैं कि बच्चे की पूरी डेवलपमेंट हो जाती है और ऐसे बच्चे बेहतर करते हैं और 37 वीक्स की प्रेगनेंसी हम टर्म मानते हैं। टर्म प्रेगनेंसी से पहले जितनी भी प्रेगनेंसीज है यानी 36 वीक्स प्लस 6 डेज वो प्रीटर्म मानी जाती है। तो कोई भी डिलीवरी है जी 37 वीक्स के अराउंड होती है तो मतलब टर्म डिलीवरी है, पर यदि कोई कॉम्प्लिकेशन रहती है प्रेगनेंसी में तो हम अपने आप से डिलीवरी को कभी कभी हमें इंड्यूस करना पड़ता है। कोशिश ये रहती है कि सारी प्रेगनेंसीज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक जाए यानी 40 वीक्स तक स्ट्रेच हो, बट यदि किसी को पेन नहीं अपने आप से आते तो 40 वीक्स पे या कुछ दिन वेट करके पेन इंड्यूस किए जाते हैं ताकि डिलीवरी हो सके। कभी किसी को अगर बीपी की शिकायत रहती है तो यही जो पेन इंडक्शन है, जो टर्मिनेशन का डिसीजन है, वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे। अराउंड 37 वीक्स हो जाना चाहिए। यदि किसी को शुगर की प्रॉब्लम है जो नियंत्रण में चल रही है तो फिर वेट किया जा सकता है 39-40 वीक्स तक, बट अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो भी 38-39 वीक्स के अराउंड डिलीवरी प्लान करनी चाहिए। बहुत कॉमनली देखा जाता है कि बच्चे की बढ़त पेट में अच्छे से नहीं हो पा रही होती है या आसपास पानी कम हो रहा होता है, जिसको हम इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या ओलिगोहाइड्रोएमनियस कहते हैं। ऐसे में डिलीवरी जो है वो 37 वीक्स पे ही प्लान कर लेनी चाहिए। वो सभी प्रेगनेंसीज जिसके अंदर अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है या बीपी बहुत ज्यादा है, तो वो 34 वीक्स के अराउंड प्लान कर लेनी चाहिए। कभी कभी ट्विन प्रेगनेंसीज भी, स्पेशली जो मोनोअमनियोटिक मोनोकोरियोनिक वाली होती है जिसमें कोई परत नहीं होती, अलग सैक नहीं होता, वो भी 32 वीक्स के अराउंड डिलीवरी प्लान होती है। सो अलग अलग प्रेगनेंसीज की कॉम्प्लिकेशंस और उनके फैक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि डिलीवरी कब की जाएगी। आपके केस में डिलीवरी कब होनी चाहिए ये आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको अच्छे से गाइड करेंगी। और ये मत सोचिएगा जो डिलीवरी की डेट होती है तभी डिलीवरी होनी चाहिए। यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो उसको जल्दी भी डिलीवर करना चाहिए ताकि बेबी की हेल्थ सही रहे और मदर की हेल्थ भी ठीक रहे। अननेसेसरी वेट करने से मदर और बेबी दोनों की हेल्थ को रिस्क हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकती हैं जो कभी कभी हाथ से भी निकल सकते हैं।